यहाँ एक मंत्री हुए थे रमाकांत तिवारी पशुधन मंत्री, मैं बीजेपी के कार्यकर्ता के नाते उनसे मिलकर के मैंने यहाँ दूध उत्पादक किसानों के लिए चीनी प्लांट स्थापित किया करवाया था उसी टीएचपी परिसर में जी। तब भी वहाँ दिक्कत आ रही थी भवन मिलने की जी। लेकिन मंत्री जी ने कहा कि अंततः ये सारे भवन मध्य सरकार के जी। इसके अनुमत बाद में जब होगी तो ले लेना आप जी। और लेकिन उनने फिर आकर के वहाँ उद्घाटन कर दिया, वो चीनी प्लांट अभी भी वहाँ चल रहा है। यदि नगर का बाजार परिषद बहुत अच्छा बना दिया जाए तो ये वही बाजार फिर नगर परिषद की आय का स्रोत बनता है और आगे नगर परिषद विभिन्न तरह के बड़े बड़े अच्छे अच्छे कार्य करती है। नमस्कार, मैं अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं खबरदार न्यूज। आगामी समय में पूरे के पूरे मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनावों के साथ साथ ग्रामीण निकायों के चुनाव भी होने वाले हैं और इसी परिप्रेक्ष्य में हम एक लंबी सीरीज करने जा रहे हैं जिसके अंतर्गत हम शुरुआत कर रहे हैं रीवा ज़िले के बिंध के रीवा ज़िले से, सिरमौर नगर परिषद से। और ऐसे में हम यहाँ के संभावित उम्मीदवारों से यहाँ की मूलभूत समस्याओं के साथ साथ भविष्य में होने वाले समाधानों की चर्चा करेंगे। इस सीरीज के पहले अंक में हमारे साथ हैं सिरमौर नगर परिषद के संभावित उम्मीदवार पूर्व वरिष्ठ बीजेपी नेता अवध बिहारी शुक्ला जी। आपको बता दें कि अवध बिहारी शुक्ला जी इस सिरमौर नगर परिषद के एक वरिष्ठ नागरिक, जागरूक नागरिक होने के नाते ही सामाजिक क्षेत्र में भी काफ़ी व्यापक दृष्टिकोण रखते हैं। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं आपका खबरदार न्यूज पर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। हम जानना चाहेंगे कि आप चूंकि पूर्व बीजेपी नेता रहे हैं तो सवाल यहीं से शुरू होता है कि पार्टी छोड़ने का निर्णय और उसके बाद अब आगामी चुनाव में आप एक निर्दलीय संभावित उम्मीदवार के तौर पर देखे जा रहे हैं और जनता में भी एक आस जगी है आपके बीजेपी छोड़ने के बाद एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर, तो इसे आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? वस्तुतः विचारधारा की दृष्टि से जी मैं मूल रूप से संघ की विचारधारा जी को अंगीकार करके और फिर जीवन के अगले सोपानों में राजनीतिक कार्यकर्ता बना जी। पर राजनीतिक कार्यकर्ता बनने के साथ ही मेरे अपने जहन में ये बात हर समय रही कि समाज से जुड़े हुए सवालों का हल हम निरंतर जी सतत अपनी क्षमताओं के आधार पर दें जी। और जहां हम रहते हैं उस नगर में विकास की बहुत असीम संभावनाएं जी। वस्तुतः ये नगर एक तरह से यदि हम रीवा जिले की बात करें जी तो पर्यावरण की दृष्टि से, प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से जी बहुत उर्वर नगर है। और मैंने पिछले 15 वर्षों से जी इस नगर की परिधि के भीतर जी लगातार जो चुनाव हुए उसमें मैंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते भारतीय जनता पार्टी ने जिनके भी लोगों को भी उम्मीदवार बनाया उनके लिए पूरी क्षमता से काम करते हुए जी जनता के परिणाम के आधार पर उन सबसे ही अपेक्षा रखता रहा कि जो मूलभूत समस्याएं हैं सिरमौर की उनका सम्यक समाधान हम निकाला जाए, देना चाहिए जी। और वस्तुतः नगर परिषद एक स्वतंत्र निकाय होता है जी। और मेरी मान्यता ही नहीं बल्कि कानून से भी किसी भी नगर परिषद को और एक तरह से लोक जीवन के लिए तीसरी सरकार का दर्जा मिला हुआ जी। और नगर परिषद स्वयं अपने निर्णयों से तरह तरह के नवाचार के कार्यक्रम भी आयोजित कर सकती है, कर सकती है जी। बाकी सरकारी मदद, केंद्र की मदद से, प्रदेश सरकार की मदद से तो यहाँ तमाम तरह का धन आता ही है। पर इन दिनों ये जो 15 साल का समय बीता जी जिसमें हमारे विधायक भी रहे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी रही, भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी रहे, पर जिन मूल समस्याओं को लगभग पिछले 25-30 वर्षों से
ये नगर और यहाँ के लोग झेलते आ रहे हैं, उनमें से किसी भी एक समस्या का समाधान नहीं निकला, जबकि पैसा यहाँ प्रचुर मात्रा में क्रेन से भी आया और राज्य से भी आया और उस पैसे का एक तरह से यहाँ इतने भारी पैमाने पर दुरुपयोग हुआ कि आज यहाँ का आम आदमी एक तरह से अपने को नगर के जो प्रतिनिधि आए उनसे ठगा महसूस कर रहा है। वो महसूस करते हैं कि एक तरह से हमको आश्वासन तो दिए गए लेकिन ठग लिया गया। और इस बीच विधायकों के सामने, सांसदों के सामने और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के सामने भी मैंने लगातार ये कोशिश की कि ये जो सिरमौर के प्रतिनिधि हैं इनका मन मस्तिष्क ठीक किया जाए और ये काम में लगे, पैसे का सदुपयोग हो, इसकी बंदरबांट रोके, पर ऐसा हुआ नहीं। और इन्हीं कुछ परिस्थितियों के बीच में उम्मीदवार तो आज मैं हूँ, जब नगर पंचायत सामान्य हो गई, सामान्य नहीं होती तो मेरी उम्मीदवारी का यहाँ प्रश्न नहीं खड़ा होता जी। पर मैंने बीजेपी इन्हीं चीजों को लेकर के एक तरह से बीजेपी से मैंने अपने को अलग किया जी। और ये मैंने माना कि मुझको सामाजिक जीवन में सिरमौर के लोगों के साथ मिलकर के अनेक प्रश्नों का हल खोजना चाहिए। पर जब ये नगर पंचायत सामान्य हो गई तो मैंने अपने कुछ आंतरिक साथियों के साथ से बैठ करके, जो वस्तु राजनीतिक नहीं थे लेकिन सिरमौर में जिनकी अपनी प्रतिभा है, जिनका अपना कार्य है, उसे सबसे जब मैंने बात की तो सबकी ये एक तरह से सम्मति रही कि इस चुनाव को लड़ा जाए, क्योंकि चुनाव लड़ने के बाद ही जो वहाँ बैठेगा वही सिरमौर की अगली तकदीर का लेखन करेगा। तो इस नाते मैंने अपने एक तरह से उम्मीदवार के नाते सिरमौर के लोगों के सामने प्रस्तुत किया जी। और वर्तमान समय में अगर हम सिरमौर नगर परिषद के अंतर्गत समस्याओं को देखते हैं तो कौन सी ऐसी मूलभूत समस्याएं हैं जिन और आप जिसकी तरफ आप जनता का ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे या भविष्य में चुनावों के पश्चात उस विषय पर आप ध्यान देना चाहेंगे? सिरमौर का सर्वाधिक संकट है नेतृत्व की अक्षमता जी। सिरमौर लगातार नेतृत्व की अक्षमता से जूझ रहा है जी। कारण यह कि जो भी लोग अभी तक चुन के आए हैं उनमें या तो प्रतिभा की कमी रही जी। और इस कमी के चलते जब वो नगर पंचायत में, नगर परिषद में प्रमुखता के नाते बैठे तो नगर की समस्याओं के समूल निर्मूलन के लिए वो सक्षम काम नहीं कर पाए, या कि फिर उनमें ये कमी रही कि वो स्वयं भी भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। दोनों चीजें हैं। और आगे यदि मुझको मौका मिला, सिरमौर के लोगों ने मौका दिया, तो मैं सक्षम नेतृत्व भी दूंगा और सिरमौर के सामने ये भी, लोगों के सामने ये भी प्रस्तुत करूंगा कि अभी तक उनके विकास के धन की जो लूट हुई किस तरह से किन लोगों ने लूटा और कैसे लूटा। और मेरी कोशिश होगी कैसे लोगों को एक तो सजा भी मिले और वो पैसा भी वापस आए हैं जिनको लोग लूट के ले गए जी। इस तरीके से आप एक सीधा आरोप लगा रहे हैं पिछले यहाँ के नगर परिषद के अध्यक्ष या प्रशासनिक व्यवस्था पर, तो क्या हम मान सकते हैं कि अगर भविष्य में आपको मौका मिलता है तो क्या इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की ओर भी आप प्रयास करेंगे? निश्चित रूप से, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक राजनैतिक व्यक्तित्व के तौर पर और एक गैर राजनैतिक व्यक्तित्व के तौर पर, निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर आप क्या फर्क पाते हैं कि अगर हम किसी राजनैतिक दल के अंतर्गत रह करके कोई जनप्रतिनिधि बनते हैं तो किन समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है तुलना में उन समस्याओं की कि जो गैर राजनैतिक दल के तौर पर या व्यक्ति के तौर पर हम चयनित होकर के आते हैं? वस्तुतः मेरी मूल मान्यता अभी भी है जी कि राजनैतिक दल एक संगठन होता है जी और संगठन में एक शक्ति होती है जी। तो राजनीतिक दल का कार्यकर्ता जब चुन के आता है जी और यदि वो अपने को संगठन से अलग नहीं करता तो संगठन की शक्ति के साथ वो यदि उसमें कुछ अक्षमताएं भी है तब भी वो काम कर सकता है जी। पर दल में रहते हुए तो मैंने स्वयं कभी विचार नहीं किया कि मुझको नगर पंचायत का चुनाव लड़ना है जी, क्योंकि मेरा अपना जो कार्य क्षेत्र था वो बड़ा कार्य क्षेत्र था। अब मैं जब निर्दलीय
के नाते चुनाव लड़ने के लिए सामने आ रहा हूँ, तो अभी भी मैं एक संगठन ही बना रहा हूँ। हाँ, यह जरूर है कि वो संगठन, उस संगठन में तमाम दल के लोग मेरा सहयोग करने के लिए सामने आ रहे हैं। पर मेरी मान्यता यह है कि वार्ड मेंबर के साथ साथ यदि नगर पंचायत के तमाम संभ्रांत लोगों की एक अनौपचारिक समिति बनाई जाएगी तो बहुत अच्छे और प्रभावी काम यहाँ किए जा सकते हैं और अच्छे अच्छे नवाचार किए जा सकते हैं जो किन्हीं अन्य लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बनेंगे। और यहाँ नगर परिषद की कुछ समस्याओं की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। युवा सिरमौर विधानसभा की बात हो, नगर परिषद की बात हो, या रीवा लोकसभा क्षेत्र की बात हो, मध्य प्रदेश की बात हो, या पूरे भारत की बात हो, वर्तमान समय में अगर हम भारत को भविष्य के तौर पर देखते हैं तो यहाँ के युवाओं की तरफ हम अपना रुख करते हैं। लेकिन यहाँ की शिक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं, विशेष तौर पर उच्चतर शिक्षाओं की, तो ITI संस्थान यहाँ पर निर्मित किया गया 2 से 3 साल पूर्व, लेकिन उसका परिणाम वर्तमान में देखा जा रहा है, कोर्स कहाँ चल रहे हैं, किसके द्वारा चलाए जा रहे हैं, उसमें टीचर्स कौन हैं, या फिर कौन कौन से कोर्स चल रहे हैं, इस बारे में कोई विशेष जानकारी समझ में नहीं आती है। और ना ही कितने बैच निकले, उनमें से कितने पास आउट हैं, उनका क्या भविष्य में रोजगार होगा, उनका क्या भविष्य होगा, कुछ इस ओर भी ध्यान नहीं दिखाई देता। वहीं डिग्री कॉलेज की भी बात करते हैं तो वो एक नाम मात्र का डिग्री कॉलेज दिखाई देता है, जहाँ से विद्यार्थियों के उत्तम भविष्य के लिए कोई चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो इस ओर आप भविष्य में क्या सोचते हैं, क्या करना चाहेंगे? मैं इस विषय पर भविष्य की बात करने के पहले इसके पूर्व की बात करना चाहूंगा कि वस्तुतः चाहे डिग्री कॉलेज हो चाहे ITI हो, ये यहाँ के चुने हुए प्रतिनिधियों की कमजोरी और कमी की वजह से ये चीजें यहाँ एक तरह से गति नहीं प्राप्त कर सकी और जो इनका बढ़िया सा प्रकट स्वरूप सामने आ रहा वो नहीं आ पाया। कारण ये कि यदि मैं ITI से शुरू करूं तो ITI का मतलब होता है उसका एक अच्छा सा परिसर, और उस परिसर में तमाम तरह के जो उपकरण हैं वो वहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों को मुहैया होने चाहिए, तब तो एक सक्षम ITI का जो छात्र है वो जब पढ़ के निकलेगा तो रोजगार प्राप्त कर सकेगा। यहाँ ITI की कहानी यह है कि यहाँ TSP का एक समृद्ध परिसर है, जहाँ अभी भी उनके तमाम आवासीय क्षेत्र और वहाँ का विद्यालय का बड़ा भारी भवन, जहाँ केवल ITI नहीं बल्कि वहाँ तो एक तरह से मिनी इंजीनियरिंग कॉलेज खोला जा सकता है, पॉलिटेक्निक कॉलेज खोला जा सकता है। मैंने वो वहाँ भी सरकार का ही पैसा लगा हुआ है, लेकिन वो एक तरह से मैंने बेजार पड़ा हुआ है, अपेक्षाओं का शिकार है कहीं ना कहीं। हाँ, उपेक्षाओं का शिकार है। मैंने जब ITI यहाँ खोली जा रही थी तो मैंने ये प्रस्तावित किया था कि आप यहाँ का ITI उस परिसर में, उस खाली भवन परिसर में, विद्यालय परिसर में खोला जाए, पर मेरी बात नहीं मानी गई। मैं ये इसलिए कह पा रहा हूँ कि मैंने यहाँ एक मंत्री हुए थे रमाकांत तिवारी, पशुधन मंत्री, मैं BJP के कार्यकर्ता के नाते उनसे मिलकर के मैंने यहाँ दूध उत्पादक किसानों के लिए चिलिक प्लांट स्थापित किया करवाया था उसी TSP परिसर में। तब भी वहाँ दिक्कत आ रही थी भवन मिलने की, लेकिन मंत्री जी ने कहा कि अंततः ये सारे भवन मध्य सरकार के हैं, इसके अनुमति बाद में जब होगी तो ले लेना आप। और लेकिन उनने फिर आकर के वहाँ उद्घाटन कर दिया, वो चिलिंग प्लांट अभी भी वहाँ चल रहा है। इस तरह से ITI भी वहाँ चल सकती है। और मेरी अपनी योजना यदि आगे बढ़ी, नगर के लोगों ने यदि मुझको अपना मत दे दिया, मौका दे दिया, तो ना केवल ITI में वहां ले जाऊंगा बल्कि वहां स्किल इंडिया के तहत सिरमौर के नौजवान और सिरमौर के आसपास के नौजवानों के लिए स्किल का बहुत बड़ा कार्यक्रम चलाऊंगा, ये मेरा अपना संकल्प है जी। और इसके साथ साथ ही सिरमौर जो बाजार है काफी छोटा बाजार है, अगर हम पिछले 10 वर्षों के दौरान देखते हैं तो हमारे बगल का जो सिमरिया रहा है, जो बैकुंठपुर रहा है, तो उनके विकास में काफ़ी प्रगति आई है, लेकिन सिरमौर अब भी वहीं का वहीं धरा हुआ है। यहाँ के बाज़ार की एक सबसे प्रमुख समस्या जो मैं व्यक्तिगत तौर पर देखता हूँ तो यहाँ की खुली नालियाँ हैं, खुली नालियों पे पूरी तरीके से कचरा पटा हुआ है, नगर परिषद का किसी भी प्रकार से या प्रशासनिक संस्थाओं का कोई भी ध्यान नहीं है, इस ओर आप क्या कहते हैं? नाली तो अपने आप में एक समस्या है ही नहीं जी,
लेकिन नाली से भी बड़ी समस्या यह है कि नगर परिषद बनती ही वहां है जहां वहां समृद्ध बाजार क्षेत्र हो जी, और जहां आसपास के लोग आए जी। लेकिन इस नगर परिषद की कहानी यह है कि बाजार को बनाने, बाजार को बसाने और बाजार को विकसित करने के लिए जो सुविधाएं नगर परिषद द्वारा विकसित करने चाहिए उस तरह की कोई सुविधा आज तक यहाँ विकसित ही नहीं की गई। बल्कि हुआ यह है कि जिन लोगों ने अपनी बेरोजगारी मिटाने के लिए यहाँ किसी तरह से अपनी पूंजी लगा करके ठेले में, गुमती में, कैसे भी करके व्यापार शुरू किया, तो यहाँ नगर परिषद की अपने प्रस्तावों से हमेशा एक कार्रवाई होती रही कि हमने इतनी दुकानें गिरा दी और शासन को ये बता दिया कि हमने इतना अतिक्रमण हटा दिया। गिराते यहाँ दुकान रहे जी। लेकिन बताते रहे कि मैंने अतिक्रमण हटा दिया, अतिक्रमण हटाया, जबकि नगर परिषद की बहुत बहुमूल्य जमीनें यहाँ के विभिन्न तरह के मफियाओं ने कब्जा कर रखा है। कभी भी उन मफियाओं को हटाने के लिए कोई कार्यवाही नहीं हुई जी। यदि मैं इस मूल समस्या पर जब चिंतन करता हूँ तो मैं मानता हूँ कि यदि नगर का बाजार परिषद बहुत अच्छा बना दिया जाए तो ये वही बाजार फिर नगर परिषद की आय का स्रोत बनता है और आगे नगर परिषद विभिन्न तरह के बड़े बड़े अच्छे अच्छे कार्य करती है। तो यदि मुझको कहा जाए तो मैं तो ये कहूँगा कि यहाँ अनंत संभावनाएं हैं नगर के बाजार के विकास के लिए और वो सारे काम मैं करूँगा। आवारा जानवर पूरे मध्य प्रदेश की एक महत्वपूर्ण समस्या बन चुके हैं। वर्तमान समय में कृषक जो है तो अपने कृषि जीवन की ये एक महत्वपूर्ण समस्या का सामना हर सीजन में करता है, चाहे फसल गेहूं की हो या चावल की हो या फिर कोई और मौसम हो, लेकिन हर बार आवारा पशुओं का उसे सामना करना पड़ता है। और अगर सिरमौर की हम बात करते हैं विशेष तौर पर, तो सिरमौर में पूर्व में गौशाला के निर्माण के लिए भी प्रस्ताव पारित हुआ था, उसके लिए शायद धन के भी आवंटन हुआ था, लेकिन वर्तमान में उसकी दशा और दिशा क्या है यह समस्याओं से भरा हुआ है और साथ ही साथ जनता से परे हो उनके सामने कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे और पूर्व में आपने अपने पार्टी के जनप्रतिनिधियों से इस विषय पर क्या चर्चाएं की, क्या करना चाहा, इस बारे में थोड़ा सा बताएं। वस्तुतः सिरमौर नगर की जो भौगोलिक रचना है जी, उसमें सिरमौर के एक तरफ पहाड़ है जी, और पूर्व में जब किसानों ने अपने को एक तरह से पशुओं से अलग करना शुरू किया तो आसपास के बहुत सारे किसानों ने अपने मवेशियों को वाहनों में भर करके सिरमौर के जंगलों में छोड़ दिया और परिणाम यह हुआ कि सिरमौर के किसान ने भी अपने जानवर छोड़ दिए और वो भी जानवर यहाँ आ गए जी। और सिरमौर का किसान एक तरह से आवारा पशुओं से त्राही त्राही करने लगा। हुआ यह कि सामाजिक कार्यकर्ता के नाते या कि राजनीतिक जवाबदारी के नाते, सत्ताधारी दल के राजनीतिक कार्यकर्ता की जवाबदारी के नाते, जब ये विषय इसको मैंने महसूस किया कि हाँ कोई काम करना चाहिए जी, तो मैंने स्वयं अपने संसाधन से और कुछ किसानों के सहयोग से मैंने ये कोशिश की कि हाँ एक इस तरह के आवारा पशुओं के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया जाए। और मैंने यहाँ जो प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र है राघव विहारी मंदिर और रानी तालाब जी, वहीं से नाम लेकर के राघव विहारी जी गो संरक्षण, राघव विहारी मंदिर गो संरक्षण गो संवर्धन गौशाला की मैंने यहाँ शुरुआत की जी। शुरुआत करने के बाद मैंने अपने क्षेत्र के विधायक और सांसद को भी पत्र लिखा जी और चाहा कि मेरी कोई मदद की जाए जी। तो वहाँ से कोई मदद, ऐसी मदद नहीं मिल पाई जी, जो संतोषजनक कही जा सके, जो संतोषजनक हो, बल्कि यहाँ तक कि उनने प्रशासन को भी कोई प्रेरणा नहीं दी कि इसमें प्रशासन भी कोई मदद करे जी। मैंने कलेक्टर के सामने इस प्रस्ताव को जब रखा जी तो विभिन्न विषयों को लेकर के, जिसमें गौशाला की के लिए सरकारी जमीन और आर्थिक संसाधन, तो कलेक्टर ने कहा कि सारी चीजें हो सकती है लेकिन मैं केवल नगर पंचायत को ये सारे साधन देने के लिए तैयार हूँ, किसी प्राइवेट व्यक्ति को संस्था को मैं नहीं दे सकता। तो मैंने नगर पंचायत के सामने अपना प्रस्ताव मूव किया
उस प्रस्ताव के आधार पर नगर पंचायत ने मोटे तौर पर शुरू किए। पहले इस बात की हामी भरी कि हाँ मैं कलेक्टर के पास प्रस्ताव ले जाऊंगा, पर फिर पता नहीं क्या कारण यहाँ तैयार हुए और मुझको जो समझ में आया कि यहाँ के जो स्थानीय छत्र नेता थे उन्होंने इसका विरोध किया नगर पंचायत में कि नहीं इस तरह का कोई प्रस्ताव कलेक्टर के पास नगर पंचायत नहीं भेज सकती है, नहीं भेजेगी। ना ही नगर पंचायत ने कोई प्रस्ताव भेजा। तो अंत में मैंने नगर पंचायत के सामने एक प्रस्ताव रखा कि यहाँ जो मजदूर रखे जाते हैं दिहाड़ी पर नगर पंचायत में, इस तरह से 2-3 मजदूर ही नगर पंचायत मुझको दे दे तो मैं इस काम को आगे चलाता रहूंगा। फिर जब मेरी गौशाला का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, जब मैं जमीन कहीं से किसी तरीके से अपने संसाधन से प्राप्त कर लूंगा, तो आगे चल के मैं इसको एक तरह से धीरे 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 किसानों के सहयोग से और सब कर करके इसको चलाता रहूंगा। पर किसानों का सहयोग तो थोड़ी बहुत मात्रा में मिलता भी रहा, लेकिन नगर पंचायत ने कोई सहयोग नहीं किया। और यहाँ के स्थानीय नेता जिसमें कई पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष भी शामिल है, मैं नाम लेना उचित नहीं मानता, वो एक तरह से सब इसके विरोध में खड़े हो गए और यहाँ तक कि किसानों के सामने भी उन्होंने तरह तरह की बातें शुरू की और उसमें इस तरह की भी बातें आई कि ये अवध बिहारी अपने निजी हित लाभ के लिए काम कर रहे हैं। तो परिणाम ये हुआ कि फिर मुझको, चूंकि मेरे पास जितने साधन थे उसके संपूर्ण समर्पण के बावजूद भी जब मेरे सामने ये स्थिति आई कि मैं उस गो माता को जिसको अपनी माता मानता हूँ उसको ना तो ठीक तरह से पानी दे पा रहा हूँ, ना ठीक तरह से चारा और भोजन दे पा रहा हूँ, तो इससे अच्छा है कि मैं अपने को इस काम से अलग कर लूं। अंततः वो मेरा काम बंद हो गया। आपने इन सारे मुद्दों को लेकर के नगर परिषद के प्रमुख मुद्दों और उनका समाधान कैसे किया जा सकता है और पूर्व में आपने प्रयास क्या किया है, इन सारी चीज़ों को लेकर के चर्चा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार हमारी तरफ से। आपको भी धन्यवाद, आपकी मीडिया को धन्यवाद और आपके माध्यम से सिरमौर के तमाम सुधी पाठकों का और सिरमौर के जनता का धन्यवाद। ऐसे ही हम इसके अगले अंक में किसी दूसरे संभावित उम्मीदवार से और यहाँ की जागरूक जनता से आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार, धन्यवाद।